गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है जी, आज की वीडियो में हमारे पास हमने नया शोरूम खरीदा है और नया शोरूम हमने लिए बाय किया है। तो कुछ नया बिजनेस शुरू करेंगे। तो कुछ गाड़ियाँ भी हमने शोरूम में खड़ी की हैं, कुछ अभी हमारी आएँगी फिर खड़ी करेंगे। तो अभी आपको इसका विज़िट करवाते हैं। सबसे पहले गाड़ियों को विज़िट करते हैं, गाड़ियाँ कौन कौन सी हैं हमारे पास। सबसे पहले चलते हैं हम सबसे पहले गाड़ी पर जो है जी हमारे पास छोटा करोला है, टोटा करोला 2000 न्यू मॉडल टोटा करोला जी। ठीक है जी, चेक करें, फुल बिजनेसमैन वाला सीन कर रहे हैं हम आज। अब इसका इंटीरियर दिखाता हूँ मैं। मेरे पास भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं, इंटीरियर बिल्कुल न्यू, बिल्कुल मज़े का इंटीरियर है। इसके बाद मैं आपको इसका विज़िट करवाऊँगा शोरूम का भी। तो इसका जो चेक करें, आउट क्लास कार है यार, आउट क्लास, बिल्कुल आउट क्लास कार है। इसके पास जो मेरी अब तक इस गेम में फेवरेट कार आ रही है तो लेक्सस है, लेक्सस फुली मॉडिफाइड लेक्सस है। देखिए तकरीबन 3 से 4 करोड़ की कार है ये, चेक करें, इन्वेडर फुल मॉडिफाइड ऑफ रोड व्हीकल है ये। वैसे पूरी लग्जरी कार है लेकिन ये इधर उन्होंने ऑफर बनाई हुई है। लग्जस LX670 है जी, बिल्कुल 0 मीटर नंबर नहीं लगा हुआ अभी तक। और इसका इंटीरियर दिखाएं, इसका इंटीरियर बिल्कुल मज़े का जी, बिल्कुल न्यू इंटीरियर, मज़े कार, फुल लग्जरी कार है। वुडन इसका इंटीरियर है। तो इसके बाद इसका मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ डोर्स वगैरह। इसके डोर ओपन नहीं हो रहे, इसके डोर ओपन नहीं हो रहे। तो जी ये इसको आपने, इसके बाद ये गाड़ी है जो आपने अक्सर मेरे रिव्यू में देखी होगी, वो तो मेरी जो अपनी है वो गैराज में खड़ी हुई, लेकिन ये शोरूम के अंदर है, बिल्कुल न्यू है ये। बाद जी इसका इंटीरियर मैंने दिखाया ही नहीं आपको, इसका इंटीरियर दिखाता हूँ मैं आपको। तो इंजन माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गाड़ी बनी हुई है ये, बिल्कुल वाइटिश ब्लैक का कम्बिनेशन का इंटीरियर है इसका, बिल्कुल लॉक हो गया जी। बाद जी हमारे पास गाड़ी है वो भी, फिर दो लेक्सस हमारे पास दो हैं अभी। तो इसका मैं आपको रिव्यू नहीं करूँगा क्योंकि पहले मैंने आपको दूसरी गाड़ी दे, दूसरा वो दिखा दिया हुआ है, इसका कलर बस चेंज है बाकी सेम कार वो ही है। और उसके पास जो सबसे बेस्ट कार है जैसे रेंज रोवर स्पोर्ट, ठीक है जी, बिल्कुल न्यू मॉडल है हमारे पास। रोल्स रॉयस का कॉम्बिनेशन भी आने वाला है इंशाल्लाह, रोल्स रॉयस की दो कई इम्पोर्ट होने वाली हैं। चेक करें जी, चेक करें, मैं कह रहा हूँ कि लेवल हो गया जी। इसका इंटीरियर देखते हैं, बिल्कुल जैसे रियल कार का इंटीरियर होता है वैसे इसका इंटीरियर है। नाइट्रो मोड की इसके अंदर है और बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है। इसके डोर ओपन होते हैं, हमारे पास टोयोटा एफ जी क्रोजर भी इंशाल्लाह करीब आने वाली है, बिल्कुल पैक इंजन और बिल्कुल मज़ेदार कार है जी, बहुत ही ज़बरदस्त कार है। इसके बाद जी हमारे पास है जी ऑडी ई ट्रॉन है मेरे ख्याल में जी, वो इलेक्ट्रिक कार है जी। तो इसके सीन चेक करते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए करके आपको किस तरह की जो हैं वो गाड़ियाँ पसंद है और किस तरह की मोड पसंद है, ताकि मैं उस तरह की वीडियो बना सकूं। और उसके बाद इसका ज़्यादा रिव्यू भी इंशाल्लाह आने वाला है, मर्सिडीज़ मे बैग जो कि प्राइम मिनिस्टर कार है जी, मे बैग S690।
ये जो मॉडिफाइड कार है इसके लॉड एम चेक करें, और वो मैं कह रहा हूँ वो उस लेवल की कार है। ये जो शोरूम इसके ये हमने अभी भी ख़रीदा है, तो मैंने कल वीडियो बना लें, इसकी इंटीरियर चेक करें जी, बहुत ही मज़े का लग्जरी वुडन इंटीरियर है इसका माशाल्लाह। इसके डोर ओपन होते हैं जी। इंजन इसका भी रेंज रोवर की तरह बिल्कुल पैक इंजन है, मर्सिडीज़ का लोगो लगा हुआ है, मर्सिडीज़ में बैक है, काफ़ी महंगी गाड़ी है। उसके बाद सिविक टाइप आर फुली मॉडिफाइड, इसका इंटीरियर चेक करें जी, फुल रेड का और ब्लैक का कम्बिनेशन है, लेदर का कम्बिनेशन, रेड कलर की स्ट्रिंग लगी हुई है और फुली मॉडिफाइड एंड्रॉयड सिस्टम की एलसी लगी हुई है, और रेड का हांडा को लोगो लगा हुआ है, रेड कम्युनिटी मीटर है, रेड ब्लैक का कम्बिनेशन है, और सीट्स इसकी वगैरह सीट्स वगैरह भी, और चेक करें जो टर्बो क्रीम लगी हुई है इसके अंदर। इंजन इसका भी होंडा को लोगो लगा हुआ है इंजन के अंदर। इतनी गाड़ियाँ आई हैं तो मैंने इतनी गाड़ियों का रिव्यू करवा दिया आपको, और इसके बाद थोड़ा सा शोरूम का रिव्यू हो जाए तो अच्छी बात है। इसके ऊपर चलेंगे हम, कोई गेमिंग इसके अलावा कोई गाड़ी ऊपर लेके नहीं आया हम, तो इंशाल्लाह इन करीब इसके ऊपर भी आ जाएंगे। और पीछे इसके एक पेंट हाउस है, वो पेंट उस पेंट वगैरह गाड़ी की रिपेयरिंग पूरी वर्कशॉप बनी हुई है जो कि अक्सर ही शोरूम में होती है। तो आज के लिए हमारी ये लॉस वेंचर्स में हमारा शोरूम था, तो अभी आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी कोई गाड़ियाँ नई गाड़ियाँ इंपोर्ट होकर हमारी आएंगी तो वो भी इधर खड़ी करेंगे, तो उनकी वीडियो भी इंशाल्लाह आएगी, तो तब तक शायद ये गाड़ियाँ सेल हो चुकी हों। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगर आपको मेरा चैनल सब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपने नए आइडियाज़ दीजिए कमेंट में दीजिएगा ताकि मैं उन आइडियाज़ पर वीडियो बना सकूँ। शुक्रिया।